तोरपा ब्लॉक के ही तपकरा गांव के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, जब भी मैं परिचय कराता हूं उनका, श्री लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक जी, आप भी जानते होंगे। वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो केवल आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट पैदा करते हैं। YouTube चैनल BS एंटरटेनमेंट के सभी दर्शकों का मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जोहार है। और बहुत ही हर्ष की बात है कि मेरे साथ में जो आप बैठे हुए हैं बहुत ही महान शख्स हैं। इनका कई चैनलों में रिपोर्टिंग का भी कार्य चलता है, पेशे से प्रेस रिपोर्टर भी हैं। मैं अभी इनसे आग्रह करता हूं कि अपने श्री मुखार विरिंद से अपना परिचय देने की कृपा करें और फिर आगे मैं इनसे बातचीत करूंगा। BS एंटरटेनमेंट के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। और बजरंग जी काफ़ी प्रशंसा कर दिए क्योंकि ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और सहयोगी हैं, दोस्त हैं, और हमारी मुलाकात हमेशा होती रहती है। और आज संयोग था कि खुटी आए हुए थे तो भाई ने हमें याद किया और हम लोग मिल के जस्ट एक इंटरटेनमेंट, जो BS एंटरटेनमेंट के रूप में आप लोग देखते हैं वही हम लोग करने वाले हैं। और इसमें अगर आप लोग को अगर थोड़ा भी अगर कमी बेसी महसूस हुई तो उसको जस्ट इंटरटेनमेंट का के आप लोग उसको क्षमा कर दीजिएगा। जी, बतलाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और इनका हाथ में आप लोग देख रहे हैं कि बांसुरी भी है, बहुत अच्छा बांसुरी भी बजाते हैं। अभी इनसे बांसुरी का धुन भी सुनेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप, चूँकि जैसा मैं आपका फेसबुक आईडी देखते रहता हूँ फेसबुक में भी, कि आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आज से नहीं वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए एक कला के क्षेत्र में रहना थोड़ा सा मुझे मैंने क्या बोले कि एक साथ में दो क्षेत्र को लेकर के चलना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये आपका मन में कैसे आया था? बजरंग जी, मैं आपको और तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि खूंटी ज़िले के पहले कर्रा और फिलहाल में जरियागढ़, ये थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, रेगरे छोटा सा गांव है, चारों तरफ जंगल झाड़ भरा हुआ है। वहाँ हमारी पैदाइश हुई और वहीं से हमने बैल चराते हुए, बकरी चराते हुए इस कला को धारण किया। और वहीं पर मेरे एक गुरु हैं जिनको आप सभी प्रताप गोप के नाम से जानते हैं, वो गुरु हैं, एक राजकुमार सिंह हैं, वो भाई हैं, और हम लोग मिलकर लगभग एक साथ ही हम लोग शुरू किए थे। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में रांची जाना हुआ और कला से थोड़ा सा राजधानी रांची में, अगर आप ये सब अगर कर दिए तो आप सबसे बड़े बड़े बेवकूफ माने जाएंगे। इसलिए इसको फिलहाल मतलब कि मज़ा लेने के लिए या फिर अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए ही हम यूज करते हैं, तो इसी तरह से मेरा शुरुआत हुआ था। जो भी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मांदर, बांसुरी, और ख़ास करके मैं बांसुरी का जब धुन सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाने वाले का जो मतलब कंठ स्वर जो है उसमें साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है, क्योंकि बांसुरी बजाना कोई मामूली बात नहीं है। और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए इस कला को अपने में धारण किए स्वयं में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मैं, चूँकि अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ऑक्टोपैड है, साथ में अभी तो संगत करेंगे, थोड़ा सा मिले हैं तो, लेकिन एक बार आप अपना धुन जो है हमारे दर्शकों के लिए सुना देते तो बड़ा अच्छा। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि उस समय जब हमने कला की शुरुआत की थी, बांसुरी जब बजाना शुरुआत किया था, तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे बजरंग सिंह, उनका भी नाम बजरंग ही था। मैं उनसे परिचित था, जो तोरपा में रहते थे पहले से। हाँ, पढ़ाई लिखाई करते थे वो, लेकिन वो अब नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और वो मेरे परम मित्र हुआ करते थे, 2008 से मैं परिचित था। अच्छा, तो मेरे जाने के बाद वो भी अकेले हो गए थे और विषय वस्तु जो भी रही होगी, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों मिलकर एक ही दिन में बांसुरी बजाना हमने सीखा था उनके साथ में। ये शायद माँ सरस्वती की कृपा है। अच्छा, और आज बजरंग जी से ही हमारी बातचीत हो रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर कोई बांसुरी सीखना चाहे तो उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ सकता है? स्ट्रगल की बात नहीं है, सबसे पहले बात यह है कि उसको खुद में
कोई भी कला हो, बांसुरी ही नहीं, आप पैड बजाते हैं, आप भी बांसुरी बजाते हैं, और भी तरह तरह के कलाकारी आपके आप में समाई हुई है, लेकिन लोग जो जानते हैं आपको पैड के रूप में जानते हैं। तो कला ऐसा चीज़ है जो आत्मसात करने वाली चीज़ है, वो होते होते हो जाती है, और कब हो जाएगी वो कहना बहुत मुश्किल है। इसमें एक चीज़ मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि जो सरगम है, क्योंकि मेरा बचपन से बांसुरी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था। अभी मैं मुझे याद है मैं 8-10 साल का था और मेरे गांव में वार्षिक मेला लगता था वर्ष में एक बार, तो मुझे 10 रुपये मिलते थे जिसमें 2-4 रुपये का तो मैं बांसुरी खरीद ही लेता। सीखने आज तक नहीं सका, उसमें जो सरगम है सारे गामा पधा निशा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो अगर कोई सीखना चाहे तो क्या उस पर एकदम विशेष रूप से फोकस करना ही पड़ता है? आत्मसात की चीज़ है, आपने शुरुआत की थी, आरंभ किया था, अंजाम तक नहीं पहुंचाया आपने। हो सकता है कि आपको बांसुरी नहीं मिली होगी, और वैसे भी बांसुरी की बहुत कमी है, और आज के कलाकारों को बांसुरी खरीदने जाइएगा तो 5,000-10,000 तो कहां से हो पाएगा। अब हम लोग जो बजाते हैं, अब आप खुद बता रहे हैं मेले की बांसुरी, वो सीखने तक ठीक है, लेकिन बाद में आपको प्रोफेशनल बांसुरी लेना ही पड़ेगा, कम से कम म्यूजिकल क्षेत्र में, और रांची में एक म्यूजिकल एक सेंटर है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो बांसुरी अगर सीखना चाहते हैं तो आपकी शुरुआत जिस तरह से जिस भी कला में हुई है उसी तरह से बांसुरी भी, अगर आप में अगर पूरी तरह से अगर रम गए आप तो आपको इसमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हंसी मजाक का चीज़ है ये कला, बिल्कुल हंसी मजाक का चीज़ है। तो अगर जैसे मैं गांव देहात में भी देखता हूँ कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको सरगम का सब पता नहीं है फिर भी बहुत अच्छा बजाता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? ये माँ सरस्वती का देन है, नहीं तो एक दिन में कोई बांसुरी बजाना नहीं सीख सकता। मैं जिन दो लोगों का जिक्र किया हूँ वो लोग हमसे 5 साल पहले से बांसुरी बजा रहे थे मेरे गांव में, और बांसुरी जब मैं आपने कहा कि आप 10 रुपये पाते थे तो बांसुरी खरीद लेते थे, उस समय कैसेट आया करता था, और कैसेट में नागपुरी गाना अगर चलता था या फिर रेडियो में अगर बजती थी तो मैं इंतज़ार करता था कि बांसुरी की धुन कब निकले, और मैं बांसुरी की धुन को काफ़ी गौर से सुना करता था, और हो सकता है वही हमारी ट्रेनिंग हो और वहीं से शुरुआत हुआ होगा। चलिए आज हम लोग एक बांसुरी और पैड के साथ में संगत करते हैं, कोशिश करेंगे आपके चैनल को बता दे रहे हैं। ये इसे अन्यथा कोई ना ले, क्योंकि हम लोग प्रयास खास करके हम नहीं 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 और संगीत ऐसा समंदर है जिसको कोई कितनों बड़ा संगीतज्ञ उसे थाह नहीं लगा सकता है। कितनों बड़ा अगर संगीतज्ञ अगर चैलेंज करता है कि मैं परिपूर्ण हूँ इस क्षेत्र में, तो ये उसका बहुत बड़ा मूर्खता है और बहुत बड़ा भूल है। और मैं अपने चैनल की ओर से, चूंकि आज मौका मिला है बात करने का, मैं भी बहुत ऐसे स्टेज में जाता हूँ, उसमें देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे कलाकार रहते हैं, बस चाहे वो बांसुरी वादक हो चाहे कुछ भी, उनमें एक ईगो रहता है अहम। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं लेकिन अगर आप में अहम आ गया तो आप अच्छे आर्टिस्ट मैं नहीं मानता हूँ, इस पर आपको क्या लगता है? बजरंग जी, आपने बहुत सत्य बुरियात प्रिय बुरियात, तो आपने उसी चीज़ को छेड़ा है। मतलब कि सत्य हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। घमंड अहंकार तो हमारे कला के ही क्षेत्र में नहीं, वास्तविकता, आप कितने भी ऊपर चले जाएं, धरातल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और धरातल को जिस दिन जो व्यक्ति छोड़ दिया, अहंकार घुस गया, क्योंकि ले देके भाई हमें भी वहीं जाना है, आपको भी वहीं जाना है, तो अहंकार किसी बात का नहीं करना चाहता। हो सकता है, जितना मैं जानता हूँ बजरंग जी को, कि आपने भी शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया, हमने भी किया, आज भी ऐसा समय आता है कि हम किसी प्रोफेशनल और काफ़ी उम्दा, जो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, और जो काफ़ी प्रैक्टिस करता है वो जल्दी आत्मसात कर लेगा। तो गांव में चराते थे, भरपूर समय मिलता था सुबह से शाम तक, अब नहीं मिल पाता है, इसलिए काफ़ी छूट सकती है, मतलब धुन या फिर जो कहें। तो आपको जब भी वैसा मौका मिले, अगर कोई वैसा करता है तो उसकी इच्छा की बात है, उसको नहीं रोक सकते आप, लेकिन वैसा अमूमन होना नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ कि अपने तोरपा ब्लॉक के ही तपकरा गांव के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, जब भी मैं परिचय कराता हूँ उनका, श्री लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक जी, आप भी जानते होंगे। वो एक ऐसे आर्टिस्ट है जो केवल आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट पैदा करते हैं। बहुत से ऐसे अनभिज्ञ जिनका वास्ता संगीत से कोई रहा नहीं, मेरा खुद का मैं बात बतलाता हूँ कि मेरा संगीत के क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रहा था, लेकिन आज मैं पैड बजाता हूँ,
तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो मांदर के साथ में मुझको फीडबैक देते थे। वो आपके ऊपर ही केवल योगदान नहीं है, वो हमारे गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा। जिस समय हम कॉलेज के छात्र हुआ करते थे, जब पढ़ाई करते थे, तोरपा कॉलेज सेंट जोसेफ इंटरमीडिएट कॉलेज साइंस के छात्र हम हुआ करते थे, लेकिन वो कंप्यूटर पढ़ाते थे हम लोग को। और उस समय शिक्षक दिवस या कोई कार्यक्रम था, ये साल 2002 के बाद की बात है, तो उस दौरान उन्होंने जब देखा कि हम बांसुरी बजा रहे हैं, अपने घर ले गए और उनके घर में इतना सुंदर माहौल, आपको पता ही नहीं चलेगा आप स्वर्ग में आ गए हैं ऐसा लगता है। व्यवहारिकता अगर सीखना हो माँ पापा या फिर भाई या फिर परिवार में कैसे लोगों को रहना चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण बड़ाइक जो हमारे गुरु हैं और फिर वो कला के क्षेत्र में भी गुरु हैं और वो शैक्षणिक क्षेत्र में भी हमारे गुरु हैं, तो उनके घर में जाकर हमें एक बार जरूर देखनी चाहिए। और एक चीज़ मैं उनके बारे में बतलाना चाहता हूँ कि ईगो क्या चीज़ होता है, उनका में नहीं और साथ में उनके किसी परिवार के कोई सदस्य में भी नहीं। उनके परिवार के सदस्य को अगर कोई मुझे अरबों रुपया देके अगर कहे तो मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ना तो लक्ष्मी सर में वो चीज़ है ना तो उनके परिवार में। एक सप्ताह भाई, एक सप्ताह हमने उनके घर में जाकर रहा है और उधर से माताश्री निकलती थी, इधर से पिताश्री, उधर से लक्ष्मी सर, और सब कुछ बैठ के हम लोग बिल्कुल राग रागिनी में डूब जाते थे। आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हुआ होगा कि किसी दूसरे के घर में नहीं आए हैं, ऐसा नहीं लगा? एक कलाकार को अमूमन लोग पागल की दृष्टि से देखते हैं और कला को कलाकार ही समझ सकता है और आम आदमी उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में ले सकता है। हो सकता है हम अभी हंस रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, लेकिन फिर भी हम कला प्रदर्शित कर रहे हैं, तो एक कलाकार की वही भावना है। और उसी तरह से लक्ष्मी सर जो हैं वो काफ़ी महान कलाकार हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं नागपुरी के क्षेत्र का, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत से नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम में परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन आज तक कभी वो रेडियो स्टेशन नहीं पहुँच पाए, कभी दूरदर्शन नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनका कार्यक्रम दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन दोनों में हो चुका है। अंततः टैलेंट होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपना ये जो क्या बोले, आज वर्षों बाद मिले हैं, लॉकडाउन में मिले थे 2020 में एक बार, और 3 वर्षों के बाद आज मिल रहे हैं, तो आज एक संगत के तौर पर हम लोग अपना करते हैं। और BS एंटरटेनमेंट को लोग सब्सक्राइब करें, देखें, मैं भी देखता हूँ, आज बोलने का मौका मिला है, लेकिन फिर से मैं दर्शकों को कह देना चाहता हूं कि इसे इंटरटेनमेंट के रूप में ही आप लें, अन्यथा ना लें। इसीलिए इस चैनल का भी नाम इंटरटेनमेंट से ही मैं BS के साथ में इंटरटेनमेंट मैं लगा दिया हूं, ताकि लोग बहुत ज़्यादा सीरियस ना रहे, क्योंकि चैनल में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, बहुत सारा चीज़ कमियाँ बेसी होते हैं। चलिए आप लोग अभी जो हम लोग संगत करेंगे उसका आप लोग भरपूर मजा लीजिए, आनंद लीजिए, और संजोग बस देखिए हम लोग का शर्ट भी एक ही हो गया है। ऐसा संजोग से कभी कभी हो जाता है। चलिए तब हम लोग अपना शुरू करते हैं।